हेलो दोस्तों, रेनू जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी तो सोचा माल्टा खा लूँ, तो नमक बनाया है, धनिया, हरी मिर्च और नमक डालकर। काफ़ी चटपटा सा स्पाइसी नमक है जो मज़े आ जाएंगे माल्टा के साथ लगा के। तो माल्टे को करते हैं शुरुआत काटने की। माल्टा मेरे पास पिथौरागढ़ से भैया आए हुए थे, वो लेकर आए थे। तो पहाड़ियों का आपको पता ही है, कहीं भी रहें अपनी पहाड़ की चीज़ें जो भाई बंधु गांव गया वो लेकर आता है, तो सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा पहुंच ही जाता है। तो मेरे पास भी मेरे 6-7 दाने जो थे मेरे पहुंच गए हैं, तो 2 दाने मैं अभी लेकर आ गई हूँ। बड़ी भाई निमड़ निमड़ के खाने हैं, जल्दी ख़त्म हो गए तो बड़ा टेंशन हो जाएगा मुझे। मुझे माल्टा बहुत पसंद है। बचपन मेरा अधिकतर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बीता, जो काफ़ी ठंडा इलाका है, वहाँ पर माल्टा, नारंगी मतलब कि संतरा और चूक वगैरह बहुत होते थे। तो बचपन से ही बहुत आदत रही है, और दिल्ली आके तो सूखा पड़ गया, अकाव पड़ गया अकाव। तो अब आज काट रही हूँ सारे, और सच कहूँ काटते काटते मुँह में पानी भी आ रहा है, तो बस जल्दी से कट जाए। अब इनमें कट मेरे ये सभी गए हैं, तो इनके ऊपर से मैंने लगाना है नमक, जो ये होता है धनिया। तो थोड़ा थोड़ा नमक मैं सबके ऊपर से लगा दूँगी। वैसे हल्का नमक गीला हो रहा है ना, नहीं तो सीधे बुरक देती। तो जो माल्टे के बनाए हैं मैंने ये पीसेस छोटे छोटे टुकड़े, मैं इनमें लगा रही हूँ नमक। बस वेट नहीं हो रहा है। वैसे तो दिल्ली में इतना ठंडा हो रहा है कि मतलब आप ऐसे खा नहीं सकते, पर आज थोड़ी धूप आई। आज क्या, धूप अगर निकल भी रही है तो 1 बजे के बाद ही निकल रही है। तो अभी 1:30 बजा है, 1:30 भी बजा है, अभी बजा है 1:52। तो आप लगा लीजिए, अभी थोड़ी सी धूप आई है, और हल्की धूप में ही मैं इतनी लालची, इतनी खद्दू हो रही हूँ कि मुझे बस ये था कि मैं लेकर आ जाऊँ। हवा चल रही है काफ़ी तेज़, लेकिन इनको खाने का मोह तो मैंने छोड़ा फिर भी नहीं है, और मज़ा भी इनको ऐसे ही धूप में बैठकर खाने का आता है। तो सभी में लून लगाई दिया है मैंने, शिल्पी सी लून है। जब अगर आपको ये चीज़ें खानी हो ना, तो सबसे पहले शिल्पी सी लून होना ज़रूरी है आपके पास, तभी जो असली स्वाद है वो आता है। और ये देखिए मेरा फीसा, मेरा टुकड़ा जो है तैयार हो चुका है, इसका लेने की बारी आ गई है। आनंद, मुँह में पानी आ रहा है। तो इसका कोई जवाब नहीं है, हल्का खट्टा खट्टा, हल्का मीठा मीठा, ये अद्भुत जिसे हम कहेंगे, ये वो है मेरे लिए। बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं अच्छे से इनको खाती हूँ। एक पीस और, सारे पीसेस जैसे ये मेरे ही हैं, क्योंकि आज घर पे और कोई नहीं है, तो सभी मैंने ही खाने हैं, इसीलिए मैं 2 दाने लेकर आई थी। तो मेरा ध्यान केवल खाने में लगा हुआ है। आप लोग पहाड़ में हो तो इन चीज़ों का ज़रूर आनंद उठाओ। विटामिन सी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें, अलग अलग तरीके के विटामिन्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट है, विटामिन सी वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी से आप जल्दी बूढ़े नहीं होते, एंटी एजिंग क्रीम में डालते हैं विटामिन सी को। तो सब मैंने खा दिए हैं, 2 दाने मैंने पूरे ही फिनिश कर दिए हैं। ये देखिए हल्की सी आज जो थोड़ी सी धूप दिख रही है, तो आज ऐसे समय में माल्टा खाने का असली आनंद ही आया है। अब सोच रही हूँ माल्टा खा ही लिया, थोड़ा झाड़ू भी झाड़ लूँ छत में, आज काफ़ी गंदगी भी दिख रही है, धूल धाल मिट्टी भी दिख रही है। तो ये जो टुकड़े हैं मेरे, ये आएंगे मेरे काम, मेरी खाद बनाने के काम आएंगे। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगी, और चलिए फिर मिलेंगे आपसे। बाय।